हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो मोटो व्लॉगिंग शुरू करने का सोच रहे हैं, और या तो मोटो व्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं बट उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। और वो प्रॉब्लम ये है कि उनके माइक और जो मोटो व्लॉगिंग करते वक्त जो वॉइस आता है वो काफ़ी अच्छा नहीं आता है। होता ऐसा है कि विंड नॉइस ज़्यादा आ जाता है या फिर बाइक का ही आवाज़ ज़्यादा आता है, आप जो बोल रहे हो उसका आवाज़ नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी का एक सॉल्यूशन देने वाला हूं। और आप जब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले होते हो तो आपका बजट थोड़ा सा कम रहता है, तो आपको उसी बजट के रेंज से आप अपना माइक डिसाइड करते हो कि कौन सा माइक आपको ख़रीदना है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, जिसमें से पहला है आपका बोया M1 माइक जो कि कैमराज के लिए यूज़ किया जाता है जनरली, और दूसरा है माउनो या फिर मेओना करके उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है बट मेरे पास वही माइक है। तो जनरली लोग यही दो माइक प्रेफर करते हैं, और मैंने दोनों माइक यूज़ किया है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो दोनों सिमिलर ही काम करते हैं, मैंने दोनों यूज़ किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो आपको माउनो के माइक से आ रही है बट डायरेक्टली नहीं आ रही है, उसके ऊपर मैंने कुछ कुछ चीज़ें की हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आवाज़ आपको कैसे आ रही है। क्या हुआ भाई, पुलिस की चेकिंग चल रही है क्या? तो मैं आपको रुक करके एक बार दिखा देता हूँ कि मैं अभी जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो माइक कैसे मैंने किया हुआ है, तब जा कर के आपको ऐसा आउटपुट मिल रहा है। तो ये है वो माउनो का माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने उसके ऊपर से कुछ कुछ चीज़ें की हुई हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। तो ये माइक को ना मैंने पहले एक बैलून के अंदर लगा दिया था, तो इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अभी जितना ऑडियो आपने पीछे वीडियो में सुना था वो इसी तरह से आया था, तो इसी को मैं कह रहा था कि मैंने एक जुगाड़ करके इसको बनाया है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको हटा दूँगा, उसके बाद आपको ऑडियो सुनाऊँगा, और उसके बाद मैं आपको एक और माइक की ऑडियो सुनाऊँगा जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको लेनी चाहिए, और मैं आपको एक बार वो माइक दिखा भी देता हूँ। और ये है वो माइक जो मैं कह रहा था आपको लेनी चाहिए। तो इसका और माउनो का मैं आपको दोनों को इस वीडियो में कंपैरिजन दिखा दूंगा, और आप खुद ही समझ जाइएगा कि कौन सा माइक आपके लिए बेटर है मोटो व्लॉगिंग के लिए। और ये है माउनो का माइक जो कि मैं बिना जुगाड़ के आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जो आपको ऑडियो मिलेगी वो पहले इससे मिलेगी और उसके बाद सोनी वाले माइक से मिलेगी, ताकि एक क्लियर कंपैरिजन हो जाए। तो अब शुरू करते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग को। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो, मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं कि कैसा ऑडियो आ रहा होगा, और ये ऑडियो है माउनो माइक से डायरेक्टली। वाइज़र मेरा अभी क्लोज है, बाइक है 42 की स्पीड पे, और यही है अभी माउनो का ऑडियो क्वालिटी। और मेरे माइक का प्लेसमेंट है चीक्स पैड के पीछे, और अभी मैं बाइक को 100 की स्पीड तक ले करके जाऊँगा, और उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी का क्लियरली पता चल जाएगा कि बाइक मतलब ऑडियो कैसी आ रही है माउनो के माइक से। तो हो सकता है कि मेरा आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा, या फिर हो सकता है विंड नॉइज ही बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो 100 टच करने के बाद हम स्लो कर देंगे। अभी आपको क्लियर पता चल चुका होगा कि वॉइस कैसा आ रहा है बिना जुगाड़ के, और ये क्लोज वाइज़र में था। अब एक बार हम वाइज़र ओपन कर देते हैं ताकि उसका भी आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो अब वाइज़र हम खोल दिए हैं, देख सकते हो भाई। हाँ, अब बाइक को वापस से भगा के देखते हैं एक बार, और पता चल जाएगा कि ऑडियो कैसी आ रही है। था ओपन वाइजर का आवाज, तो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि यार आवाज कैसी आ रही है। और मेरा हेलमेट है एक्सोर का एपेक्स हंटर, तो हेलमेट बहुत अच्छा है, ये चीज तो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो अभी जो आपने माउनो का आवाज सुना वो था ओपन वाइजर के साथ। तो अब हम अपने हेलमेट में सैमसंग कह रहा हूँ सॉरी सोनी वाले माइक को फिट करते हैं, और उसके बाद आपको ऑडियो क्वालिटी एक बार ही दिखाते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद मैं आपको प्राइस ये सारी चीज़ें बता देता हूँ एक बार।
तो माउनो और जो आपका बोया का माइक है इसका प्राइस आपको वही अराउंड 600 to 700 पड़ेगा, और माउनो का माइक तो 400 या 500 में मिल जाएगा, और जो सोनी का माइक है वो ऑफलाइन मार्केट में आपको 2000 का मिलेगा और ऑनलाइन में आपको 17 के अराउंड में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शुरू में बजट कम होता है, बट वो थोड़ा सा टाइम आप सेव करके आप अच्छे माइक पे इन्वेस्ट करो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। बाकी अब सोनी का माइक एक बार ही सेटअप कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि माइक प्लेसमेंट मैं कहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये है सोनी का माइक, और ये सोनी का लेवियर माइक है शायद। हाँ भाई, हाँ। तो इसका आप एक बार लेंथ देख लो, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा ही है, और हेलमेट में इसको फिट करना बहुत आसान है। और इसका वायर का लेंथ देखो आप, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर ये ख़त्म है। वायर लेंथ काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट दिया हुआ है, तो इसे आपको हेलमेट में फिट करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना यार, क्योंकि मैं अभी रिंग रोड पे निकला हुआ, वहीं पे शूट हो रहा है, तो ट्रक्स की आवाज़ आपको आते रहेंगे। तो इसको एक बार ये फिट कर लेते हैं हेलमेट पे और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे फिट किया है मैंने इसको। तो माइक फाइनली सेट हो चुका है, यहाँ पर लगा हुआ है सोनी का माइक, और उस साइड कोने पे लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ उस साइड कोने पे लगा हुआ है यहाँ पर एक माइक जो कि उसका है, माउनो का, और दोनों सेम ही पोजीशन पे लगा हुआ है, ये लेफ्ट में है वो राइट में है, और यहाँ पर से हम इसका जैक निकाल दिए हैं। तो अब आपको कंपैरिजन दिखा देते हैं साइड बाय साइड की, ये कैसा आवाज़ आ रहा है। तो यार आप अभी जो ऑडियो सुन रहे हो वो सोनी के माइक से आ रहा है, और अभी वाइज़र ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो वाइज़र अभी ओपन है। तो अब पहले बाइक को 100 पे ले जा करके देखते हैं कि कैसा आवाज़ आता है, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आवाज़ अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि माउनो से ये बहुत बेटर है, इतना मेरे को आइडिया है। तो अब 100 पे ले जाते हैं बाइक को, फिर देखते हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है। थी बाइक 100 पे, कैसा आवाज़ आ रहा है ओपन वाइज़र के साथ। तो अब एक बार वाइज़र क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है। तो ये कर दिया मैंने वाइज़र बंद, अब बाइक को लेके चलते हैं 100 पे। हेलो हेलो, 1 2 3, माइक टेस्टिंग। हेलो, तो यार मेरे को पता नहीं कैसा आवाज़ आ रहा होगा, पर बाइक अभी स्पीड पे चल रही है तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर रही होगी, अब वो तो एडिटिंग के वक्त मेरे को पता चलेगा। तो मेरे को लगता है कि आपको इतने में से क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा माइक पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने शुरू में ही माउनो का माइक ले लिया था, और अभी आपने देखा क्लोज वाइज़र में कैसा आवाज़, आपने सुना देखा नहीं, तो अभी आपने ये सुना कि कैसा आवाज़ आया क्लोज वाइज़र में। तो एक बार ही आपको वापस से आवाज़ सुना देते हैं क्लोज वाइज़र में माउनो का। तो यही था यार इस छोटे से वीडियो में, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन सा माइक लेना चाहिए। तो ये यही था यार इस वीडियो में, और अगर आप सभी को व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है मोटो बॉय करके, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको व्लॉग्स पसंद है तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ़।